नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष्टिक तत्वों से भरा गाजर का हलवा। तो इस मौसम में आप इसे आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो गाजर, और इसे अच्छी तरह मैंने धोकर साफ कर लिया है। तो चलिए इसे काटते हैं। तो पहले इसका हम डंठल निकाल लेंगे ऊपर से, और इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर मैं कद्दूकस कर रही हूँ गाजर को। तो देखिए इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे गाजर को। तो यहाँ पर हम सारे गाजर जो है कद्दूकस कर लेंगे, काट लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हलवा को बनाते हैं। आज हम बनाएंगे चूल्हे पर हलवा। तो चूल्हे पर हलवा बनाने से जो है हलवा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, और देखिए यहाँ पर जो है कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, और मैंने यहाँ पर सारे गाजर जो है कद्दूकस कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई जो है हमारी गर्म हो गई है, और इसमें डालेंगे घी। तो घी हम 3 चम्मच डालेंगे। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा घी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कद्दूकस ये गाजर को। तो इसे हम आसानी से धीरे धीरे डालेंगे। तो दोस्तों, चूल्हे पर हम इसलिए बना रहे हैं कि इसमें हलवा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा भुन जाएगा, और उसका स्वाद ही बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। तो दोस्तों, गाजर हम भून रहे हैं। लगभग हमने 10 मिनट गाजर भूना है, और इसे अभी और भूनना बाकी रह गया है। तो इसे हम और भूनेंगे। देखिए दोस्तों, हमने गाजर कुछ इस तरह भून लिया है। तो गाजर में सुगंध भी अच्छा आ रहा है, अभी भून चुका है। तो देखिए गाजर हमारे हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं। और इसमें डालेंगे हम दूध। तो 1 किलो गाजर के लिए हमने लिया है यहाँ पर 0.5 लीटर दूध। आप चाहें तो दूध की मात्रा अधिक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ किशमिश इसमें, और आप चाहें तो और कुछ ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ सिर्फ किशमिश ही डाल रही हूँ। और इसे लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूध जो है हमारा सूख गया है। और इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है, और इसे अच्छी तरह चलाकर हम पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें से हल्का सा पानी भी छूटेगा चीनी की वजह से। तो इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो देखिए दोस्तों, हलवे का रंग जो है कुछ चेंज हो रहा है, और इसमें सुगंध भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हलवा जो है हमारा लगभग तैयार ही हो चुका है। इसमें सारे जो है पानी सूख गए हैं। तो देखिए दोस्तों, हलवा जो है हमारा तैयार हो गया है। अब इसे कटोरी में निकाल लेंगे। और तो बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आया है, और सुगंध भी अच्छा आ रहा है। दोस्तों, हलवा हमारा तैयार हो गया है, और इसमें डालेंगे कुछ हम ड्राई फ्रूट। तो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालकर सजा दिया है। तो देखिए कितना ही अच्छा हलवा बना हुआ है, और बहुत ही टेस्टी ही बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।